यूनियन जिंदाबाद, भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, भाईचारा जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। नमस्कार, इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के करन लेक के बाहर से। और आज आपको बता दें कि यहाँ पर लंगर की सेवा जो है फिर से शुरू कर दी गई है। सभी किसान एकता यूनियन से जो है सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और एक बार फिर से नारा लगाते हुए नजर आ रहे हैं। चाय की सेवा, लंगर की सेवा पूरी तरह से फिर से शुरू कर दी गई है। कुछ दिन पहले जो है प्रशासन द्वारा यहाँ से लंगर हटाने का यहाँ से जो है लंगर हटा दिया गया था, उसी के चलते आज जो है आप देख रहे हैं कि फिर से लंगर की सेवा जो है शुरू कर दी गई है। कुछ लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या बताना चाहेंगे? कुछ दिन पहले प्रशासन द्वारा लंगर हटा दिया गया था, पर आज फिर से आप लोग लंगर की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ये तो जी छत्ती बिलादरी रल मिल के लंगर लगा रही है, लंगर होना चाहिए। आते जाते लोग छक लेते हैं, सारे जिमीदार, सारा भाईचारा आते जाते चाय पानी होना चाहिए। ये तो हटना नहीं चाहिए था, ये तो लंगर है, सबके लिए है, ये तो हटना चाहिए नहीं था। जैसे प्रशासन की मर्जी, उसी हिसाब से नियमों का पालन किया, आज लगा दिया। जैसे कि आप लाइव तस्वीर में देख रहे हैं, एक बार फिर से सभी लोग जो है लंगर की सेवा जो है उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये लगातार लाइव तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के करन लेक के बाहर से, सभी प्रसादा जो है बांटते हुए नजर आ रहे हैं, लंगर चखते हुए नजर आ रहे हैं, आने जाने वाले सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं। बढ़ेगा, हम जाएंगे और दोबारा दुगनी ताकत से ये आंदोलन शुरू। क्या कारण था सरकार को लंगर बंद कराना पड़ा? सरकार दबाना चाहती थी किसानों की आवाज़ को, इसलिए लंगर बंद कराए ताकि जो लोग दिल्ली जा रहे हैं या सिंधु बॉर्डर पे या टीकरी बॉर्डर पे किसान आंदोलन में जा रहे हैं, उनको बीच में खाना ना मिले। अब खाने की व्यवस्था चालू हो चुकी है, जगह जगह दोबारा लंगर शुरू हो चुके हैं। सरकार का जो षड्यंत्र था, वो षड्यंत्र सरकार का और जो इनके लोग हैं, चाहे वो आरएसएस वाले हैं या अन्य जो बीजेपी वाले लोग हैं, वो कुछ लोगों को, आसपास के लोगों को बहकाने लगे थे कि अब ये सारी ताकत एक ही बात है कि हमारी। आप ये फिलहाल लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से लंगर की सेवा जो है वापस से शुरू हो चुकी है। कई और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। और अपील आपसे बार बार यही रहेगी कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। सर, क्या बताना चाहेंगे? लंगर की सेवा आज फिर से शुरू हो चुकी है करन लेक के पास, क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, ये गुरु का लंगर है और बड़े लंबे समय से गुरु के लंगर की परंपरा रही है कि अटूट चलता है और लगातार दीन दुखियों के लिए जहाँ पर भी आवश्यकता होती है वहाँ पर ये लगा रहता है। बड़े 60 दिन से ज़्यादा का समय इस लंगर को लगे हुआ था, लेकिन कुछ शरारती तत्वों ने बीच में आकर इसको डिस्टर्ब करने का प्रयास किया। तो आज आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम उन नौजवानों को जो गुमराह हैं और जिस गफलत के अंदर जो अपना जीवन जी रहे हैं, उनका आह्वान करना चाहूँगा कि ये देने के लिए यहाँ पे बैठे हैं, किसी से लेने के लिए नहीं बैठे। तो आज तमाम युवाओं को, जो किसान दिल्ली के चारों तरफ अपने 3 काले कानून वापस करने की मांग को बैठे हैं, उनकी मदद के लिए हमें आगे आना चाहिए। आज ये किसान जो आसपास के गांव से आकर यहाँ लंगर लगाते हैं, वो लोगों की मदद के लिए, उन किसानों की सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अगर उनके साथ किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप करने की कोशिश करेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और सीधे तौर पर मैं ये आपके चैनल के मार्फत उन लोगों को बोलना भी चाहूँगा, चाहे वो आरएसएस के बंदे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के बंदे हैं, अगर वो किसी भी तरीके से, गलत तरीके से इन लोगों को उठाने का काम करेंगे तो हमारा स्टैंड है, तो किसी भी हद तक जाकर उनको रोकने का प्रयास हमारा रहेगा। ये लंगर आज शुरू हुआ है तो अब अनंत काल तक बड़े शांतिप्रिय तरीके से चलता रहेगा। सर, पिछले दिनों जो है लंगर को यहाँ से हटाया गया था और आज फिर से शुरू कर दिया गया, तो सरकार को आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? सरकार को मैं यही कहना चाहता हूँ भाई, इन शरारती तत्वों को बंद कराए। 2 महीने से ऊपर लंगर चला है, उसमें सब यात्रों, जीट रोड वाले भी और किसान भी, सब के लिए था, ना कि हमारे किले के लिए। और सब के ये जो 3 काले कानून है ये रद्द करवा के ही रहेंगे, इसके बिना और कोई बिल्कुल कोई इलाज नहीं इस चीज़ का। 3 काले कानून रद्द करवाएंगे, ना कि शोध करवाएंगे इसमें।
इस वक्त हमारे साथ राजेंद्र आर्या जी मौजूद हैं जो कि किसान नेता हैं। सर आप क्या बताना चाहेंगे, क्योंकि पिछले दिनों देखा गया था कि लंगर को भी, लंगर की सेवा को हटाने का प्रयास किया गया था, पर फिर भी अगर किसानों के जज्बे की बात करें तो हमेशा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो 26 जनवरी का घटनाक्रम हुआ था उसका नजायज फायदा उठाते हुए सरकार ने दिल्ली में एक ट्रैप बनाया था। उस ट्रैप में किसानों को फंसाया गया और कुछ गैर जिम्मेवार जो किसान थे उनकी वजह से ऐसा माहौल बना, और सरकार ने 26 जनवरी के इंसिडेंट का नजायज फायदा उठाते हुए और 28 तारीख को यहां 28 जनवरी को जबरदस्ती ताकत के बल पर लोगों को यहां से खदेड़ने का काम किया था, और आज 1 फरवरी को दोबारा से सारे के सारे सभी धर्मों के किसान जमात के, क्योंकि किसान एक जमात है और जमात में ही करामात है और किसान एकजुट है, सभी के सभी यहाँ बैठे हैं। पंजाब से आने वाले और पीछे यमुनानगर या पंचकुला से आने वाले, अम्बाला से आने वाले किसानों का यहाँ स्वागत करते हैं और उनके लिए लंगर की व्यवस्था यहाँ दुरुस्त दोबारा से कर दी गई। आज चाय पानी और लंगर की व्यवस्था सुचारू रूप से जारी है, और जब तक आंदोलन हमारा कामयाब नहीं हो जाता, केंद्र सरकार के साथ हमारा फैसला नहीं हो जाता हमारे दो मांगों को लेकर, तब तक हम यहां बैठे रहेंगे। और जिस तरीके से केंद्र सरकार के इशारे पे हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने जबरी लोगों को उठाने की अपनी ताकत का नजायज फायदा उठाते हुए लोगों पर जो जोर जुलम का तरीका जो अपनाया, आंदोलन को दबाने की कुचलने की कोशिश करी, ये आए लोकतांत्रिक तरीके से उसका हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। और इस सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं, हमारी बातें मान ले सरकार, और पूरे देश और प्रदेश में अघोषित आपातकाल अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है, किसानों की मांगे मानते हुए अघोषित आपातकाल को सरकार खत्म करे और किसान हित में फैसला करे, क्योंकि किसान हित ही असली देश हित है। कहीं ना कहीं किसानों का जो है लगातार यही कहना है कि सरकार को जो है फिलहाल उनकी बात मान लेनी चाहिए, कोई ना कोई किसानों के लिए फैसला लेना चाहिए। और इसी के साथ हमारे साथ राकेश कंबोज जी मौजूद हैं। सर क्या कहना चाहेंगे आप, सरकार को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि 2 महीने से ऊपर जो है हो चुका है और लगातार किसान डटे हुए हैं, क्या कहेंगे? मैं तो उछाणा गाँव के भाइयों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने दोबारा लंगर शुरू करने में हमारा सबका सहयोग किया। और मेरे साथ जोगिंदर चौहान जी खड़े हैं, जितेंद्र बैनीपुर जी खड़े हैं आसपास के गांव के, और नरेश कहाँ गए भाई, भाई विजेंद्र जी खड़े हैं, और हमारे जो भाई आसपास के सारे किसान यहाँ इकट्ठे हुए हैं। इससे हमारी जो लंगर कमेटी है उसको बड़ी मजबूती दोबारा से मिली, और दोबारा जोश के साथ सारे के सारे आसपास के मेरे भाई यहाँ पहुँचे हैं, और मैं इनका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हौसला बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ सबका सभी यहाँ पहुँचे, और लंगर की दोबारा व्यवस्था शुरू हो चुकी है, चाय का प्रोग्राम शुरू हो चुका है, प्रसाद आ चुके हैं और सब्जी भी आ चुकी है, और लंगर ये पहले की तरह जोश से लंगर यहाँ पर ये चलेगा। और मैं दोबारा फिर उछाणा वालों का तो खास तौर पे धन्यवाद करूँगा, जो उछाणे के भाई इस लंगर में बैनी खुर्द के बल्डी के आसपास के लोग यहाँ आए हैं, उछाणे के भी आए हैं, बाकी और गाँव के तो काफ़ी यहाँ भाई पहुँचे, कुंजपुरा से, गीड़ से, मैनमती से, दलानपुर से, कलास से, टीकरी से, और गांव से भी लोग, चोरपरा, गढ़ी बीरबल, कलसोरा, खेड़ा, पटेड़ा, ननेड़ा, रिंडल और बदरपुर, सभी भाई और मैं कितने नाम लोग गांव के, सारा का सारा सैलाब बन चुका है अब ये। और ये जो आंदोलन किसी भी तरीके से ढीला पड़ने वाला नहीं है, और हम सब मिलकर दोबारा दिल्ली भी जाएंगे और वहाँ भी जाएंगे। ये कोई राजनीतिक सिस्टम नहीं है हमारा, हम सारे किसान हैं, हम कोई ना कोई राजनीति कर रहा है, ना कोई राजनीति का सिस्टम है, हम सब, क्योंकि सबसे पहले हम किसान हैं, हमारा धर्म बनता है कि हम सभी, मेरे जो किसान भाई मुझे सुन रहे हैं, मेरे हाथ जोड़ के विनती है उनसे कि सारे हमारे किसान भाई इस आंदोलन, जो पीछे है कोई किसी के बहकावे में आ रहा है, सारा बहकावा छोड़ कर आप सभी के सभी इस किसान आंदोलन में हमारा साथ दो। मेरी आपसे गुजारिश है, प्रार्थना है, जो लोग पीछे रह गए वो आ गए, अब इंटरनेट बंद कर दिया, इंटरनेट बंद करने की क्या जरूरत थी भैया, इससे मैं कल पेट्रोल डलवाने लगा गाड़ी में, तो मैंने कार्ड दिया, क्या लगे कार्ड नहीं चलेगा जी, मैं कार्ड क्यों चलेगा, क्योंकि इंटरनेट बंद है, अगर नकद पैसे हों तो डीजल डल जाएगा, अगर कोई भाई कार्ड ले कर चल रहा है उसकी जेब में पैसे नहीं है,
हरियाणा में उसका तेल खत्म हो गया, उसने खाना खाना पड़ गया, उसने कोई चीज़ लेनी पड़ गई, दुकान से किताब लेनी पड़ गई, किसी बच्चे ने कार्ड दे के पैसे ले लेते हैं, किसी होटल में खाना खाना पड़ गया, दिक्कत तो हम लोगों को है भाई, सारों को, हमारी बहनों को भी दिक्कत है। हर आदमी, एक तरह मोदी जी कहते हैं कि बैंक में से पैसे जेब में कम रखो, ऑनलाइन पेमेंट करो, ऑनलाइन तो सिस्टम बंद कर दिया, अब हम क्या करें। अब तो एक बार फिर से लंगर आज शुरू हुआ है, जब तक किसान दिल्ली बॉर्डर पर बैठे इसी तरीके से लंगर की सेवा चलती रहेगी। हाँ जी, उसके बाद भी अगर आप लोग चाहेंगे तो हम तो उसके बाद भी लगाएंगे सारा इलाका मिलके, क्योंकि हमारा धर्म बनता है, हमारा धर्म बनता है कि कोई भी भूखा ना रहे, कोई भी भूखा ना रहे, सबको खाना मिले, सबको पानी मिले। और किसान अन्नदाता है, किसान सबको गेहूँ कौन पैदा करता है, जिसका आटे से रोटी खाते हैं वो हम पैदा करते हैं, चावल कौन पैदा करता है वो हम पैदा करते हैं, तेल कोई आसमान में से नहीं आता, सरसों भी हम उगाते हैं, गन्ना चीनी खाते हो आप, गुड़ खाते हो ये भी हम उगाते हैं गन्ना, भाई तिल खाओ, कोई और चीज़ खाता है, सारी की सारी हम किसान ही भेजते हैं। कोई मंडी में साग खा रहा है, साग को छत पर थोड़ी उगता है, खेत में उगता है, कोई गाजर खा रहा, गाजर भी खेत में से आती है, मूली खेत में से आती है, सारी दालें खेतों में से आती हैं। मेरी तो आपसे प्रार्थना है भाइयों, सभी इस आंदोलन में साथ दो, और भाइयों जो गांव का दुकानदार है वो भी किसान है, और गांव का जो मजदूर है वो भी किसान है, और जो शहरों में बैठे हैं दुकानदार जो हमारे किसानों के थ्रू ही कमाई कर रहे हैं वो भी किसान है। इस आंदोलन में भाइयों मेरी आपसे दुआ हाथ जोड़ के विनती है, जो हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग, हमारे बच्चे दिल्ली बैठे हैं, भूखे बैठे क्यों बैठे हैं, वो हमारे सारे सारे करके बैठे हैं, आपसे निवेदन है इस आंदोलन भाइयों साथ दो। तो हमारे साथ राकेश कांबोज जी मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से किसानों का जज्बा जो है लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जब से किसान आंदोलन करने के लिए शुरू हुए थे, दिल्ली कूच करते हुए नजर आ रहे थे, तकरीबन उस दिन से जो है करण लेक के बाहर जो है आपको लंगर की सेवा मिल रही थी, पर फिलहाल जो है सरकार द्वारा इस सेवा को कहीं ना कहीं रोका गया, पर आज फिर से जो है लंगर की सेवा अलग अलग जगहों पर वापस से शुरू हो गई है। और किसान नेता का और किसान के जो भी लोग किसानों से जुड़े हुए हैं उन सभी का कहना यही है कि जब तक आंदोलन खत्म नहीं होता, जब तक सरकार किसानों की बात नहीं मानती, तब तक जो है लगातार ये सेवा भी चलती रहेगी। फिलहाल इस सेवा के चलते राह चलते काफी सारे लोगों को, जिनको कि शायद प्रतिदिन खाना भी नहीं मिलता था, उनको भी यहाँ पर खाना मिल रहा है। तो आप सभी से अपील रहेगी कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और आगे की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। विभूति भारती, करनाल, ब्रेकिंग न्यूज, करनाल। जहां 26 जनवरी को जो तस्वीरें दिल्ली में देखने को मिली थी उसके बाद कहीं ना कहीं किसान आंदोलन कमजोर होता हुआ नजर जरूर आ रहा था, लेकिन इस समय अगर हम बात करें लगातार करनाल की तस्वीरें हम लोग आपको दिखा रहे हैं, जहां पर किसानों के जज्बे की बात की जाए, सेवादारों के जज्बे की बात की जाए, वो अभी भी वैसा का वैसा ही कायम है। और लंगर की सेवा एक बार फिर से करनाल जीटी रोड पर शुरू हो चुकी है और आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, चाहे बुजुर्ग हो, युवा हो, बच्चे हो, सभी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इस शांतिपूर्वक तरीके से जो आंदोलन पिछले काफी समय से चल रहा है उसे जो है यहाँ पर पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, एक बार हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? किसान पिछले काफी समय से जो है शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन अपना कर रहे हैं। लंगर की सेवा करनाल लेक पर पहले बंद की गई थी, अब दोबारा से आज शुरू हो गई है, क्या कुछ जानकारी? ऐसा है जी, हमारी सभी किसानों से पूरी गुजारिश और अनुरोध है कि शांतिपूर्ण तरीके से रहे और अनुशासन में रहे, और अनुशासन में ही पब्लिक है बिल्कुल। आज दोबारा से करनाल लंगर शुरू किया है, जन सेवा के लिए है, पब्लिक सेवा के लिए ही है लंगर। लंगर कोई किसी का अपना लंगर तो है नहीं, तो शांतिपूर्ण तरीके से लंगर सेवा शुरू कर दी गई है। हमारी प्रशासन से भी अपील है कि भाई इसमें लंगर में कोई रोड़ा ना अटकाए, ये किसी एक का लंगर नहीं है, ये सभी का लंगर है, सभी के लिए है। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे लंगर की सेवा दोबारा? लंगर की सेवा में बात ऐसी है जी, सब भाई दल मिल के यहाँ जितने किसान आए हैं, हमारी तो एक प्रार्थना भी कोई रौड़ेबाजी नहीं हो, और सब भाई दल मिलकर लंगर की सेवा करें। जय किसान, जय युग। तो आप लोग देख सकते हैं, हालांकि शुरुआत से ही शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया जाए, यही जो है चाहे किसान नेता हो या फिर जो लोग किसानों के समर्थन में पहुंच रहे हैं वो शुरुआत से कहते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोग हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं। सर, आप क्या कुछ एक मैसेज देना चाहेंगे सरकार के नाम, क्योंकि लंगर की सेवा बंद की गई थी और कहीं ना कहीं कोशिश ये भी रही थी कि दिल्ली में किसानों तक खाना ना पहुंचे, पानी ना पहुंचे, बिजली ना पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद किसानों का जज्बा अभी भी जो है वैसे का वैसे कायम है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम, ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है या पूर्ण रूप से किसानों के विरोधी सरकार है, आज भी समय है
कि भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की भावना को समझना चाहिए और जो 70 दिन से हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं और ये मर रहे हैं अपनी फसल के MSP के लिए, तो सरकार के जो कान में ये जो नई रेंग रही है ये इसको आने वाले समय में बहुत भारी पड़ेगी और इसका खामियाना अगले, मैं मानता हूँ कि 20-25 साल के तक जो है ना भाजपा जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा। तो मेरी खट्टर साहब से भी और देश के PM से भी ये अनुरोध है कि इन किसान की भावनाओं को समझे। जो इतना किसान वहाँ पे मर रहा है धूप में, सर्दी में, सारे हालातों में, अभी इन्होंने क्या किया 26 जनवरी पे इन्होंने एक सोची समझी साजिश के अनुसार जो है ना अपने ही आदमियों को उस आंदोलन में उसमें डाल दिया। और अब ये देखो दीप सिद्धू किसका आदमी था, दीप सिद्धू का प्रधानमंत्री जी के साथ और एक पंजाब के सांसद के साथ उसका फोटो आया हुआ है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री के साथ कोई आम व्यक्ति फोटो नहीं तुलवा सकता। दीप सिद्धू ने सर सुबह एक रोते हुए वीडियो भी जो है जारी की थी कि मेरे को बिना मतलब ही जो है फंसाया जा रहा है या मुझ पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, तो उस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या वो आंसू झूठे थे? वो आंसू बिल्कुल सरासर झूठे थे। सारे देश ने देखा है दीप सिद्धू को, दिल्ली में उसके कारनामे के पूरे देश ने देखा है और उसके कहने से कुछ नहीं होता। वो सारे झूठे थे और जो है ना ये सरासर पूरे देश के सामने अब आ गया है कि यहाँ पे जो सरकार के ये असामाजिक तत्व बीच में छोड़े हुए थे वो उनका सारा सरदार सरकार का जो है ना तख्ता पलट हो चुका है, उसके सारे का सारे सच्चाई सामने आ गई है और उसी वजह से एक कदम पीछे हटी है सरकार। उसमें यह है कि देखो किसानों का समर्थन कोई भी कर सकता है। अगर वो ये कहते कि मैं किसान हूँ तो कोई भी किसानों का समर्थन करने से किसी को भी मना नहीं है। हम लोग अगर कैमला गांव की बात करें, उस समय भी जब तस्वीरें देखने को मिली जो कि अप्रिय थी, उसके बाद भी किसानों द्वारा हालांकि ये कहा गया था कि कुछ लोगों जो चाहे वो भाजपा के लोग, भाजपा से जुड़े हुए लोग थे या फिर वो गांव के लोग थे, उनको उनके द्वारा जो है किसानों को भड़काया गया, उनके ऊपर पथराव किया गया, लाठीचार्ज किया गया। दिल्ली में जब ऐसी तस्वीरें देखने को मिली तो उस समय भी यही कहा गया कि वो भाजपा से ही जुड़े हुए लोग थे। तो जब किसानों के आंदोलन पर वो लोग बैठते हैं उस समय क्या इस चीज़ पर नहीं ध्यान दिया जाता कि कौन लोग जो है आगे चलकर जो है ऐसी चीज़ें कर सकते हैं? क्योंकि पहले भी जब तस्वीरें ऐसे देखने को मिली है तो कहीं ना कहीं अगले समय में उसकी चीजों का, उन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। अगले समय में उसका ध्यान रखा जाएगा, लेकिन ये पहली बार हमने जो है ना ये हमने देखने को मिला कि ये आंदोलन को प्रभावित किया गया है। मैं मानता हूँ इस बात को कि हमारे आंदोलन को असामाजिक तत्वों द्वारा प्रभावित किया गया, लेकिन ये आंदोलन किसानों का आंदोलन है और किसानों का आंदोलन ही रहेगा और लास्ट तक, जब तक मोदी सरकार अपने काले कानूनों को वापस नहीं लेती तब तक वो किसान वहीं पर गोली खाएगा, वहीं पर मरेगा, लेकिन अपनी आवाज को पीछे नहीं हटेगा। तो आप देख सकते हैं जब तक तीनों काले कानूनों को वापस नहीं लिया जाता जैसा कि किसानों का कहना है, तब तक इसी तरीके से टीकरी बॉर्डर हो, सिंधु बॉर्डर हो या फिर अलग अलग जिलों में जिस तरीके से किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं वो ऐसे ही करते रहेंगे। कुछ युवा भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, हम उनसे भी एक बार जानना चाहेंगे। सर सभी तस्वीरें आप खुद देख रहे हैं पहले दिन से जब से किसान जो है ये प्रदर्शन कर रहे हैं, जो तस्वीरें हर रोज नई नई देखने को मिल रही है, चाहे उसमें हम दीप सिद्धू की बात करें जिनके द्वारा एक वीडियो जारी की गई जिसमें कि वे रो भी रहे थे, तो उन सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे और आंदोलन के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? किस तरीके से जो है आगे आंदोलन चलने वाला है? जो असामाजिक तत्व थे वो सब आंदोलन से बाहर हो चुके हैं, अब आंदोलन में सारे किसान दोबारा से आंदोलन को मजबूती के साथ चला रहे हैं। और जैसे कि यहाँ करण लेक पर लंगर व्यवस्था हमारी पहले 1-2 दिन के लिए प्रभावित हुई थी, अब दोबारा से बलडी, सलारू, दर्ड, कुराली, रंबा सभी गांवों ने इकट्ठे होकर के आज दोबारा से लंगर व्यवस्था को करण लेक पर सुचारू रूप से चला दिया है और इसी तरह से लंगर व्यवस्था निरंतर चलती रहेगी। और यह सेवा का काम है, यहां भूखे लोग अन्न खाते हैं, कुछ शरारती तत्वों ने यहां विघन डालने की कोशिश करी थी, हमारा उनको कड़ा जवाब है।
कि इस धरने से, इस आंदोलन से, इस लंगर से दूर रहें, इनको आसपास भी यहाँ फटकने नहीं दिया जाएगा। और किसान यूनियन और पूरे किसान भाई सभी गांव के आसपास के लोगों ने आज यहाँ मजबूती से लंगर दोबारा से शुरू कर दिया। तो आप लोग देख सकते हैं एक बार फिर से करनाल के करण लेक पर जो है लंगर की सेवाएं शुरू हो चुकी है। और आप लोग लगातार लाइव तस्वीरें करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर देख रहे हैं। मेरी आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर भी जरूर कीजिएगा। कुछ और किसान, कुछ और लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? ये डॉक्टर साहब आए न्यूजीलैंड से, वेटरनरी डॉक्टर है, और ये हमारे किसान समर्थन के लिए आज रात को दिल्ली पहुंचे और यहाँ पे आए हैं। इनसे बात करिए। हाँ जी, मैं न्यूजीलैंड से आए, सभी भाइयों को राम राम। हाँ जी, परमात्मा करे आपका ये जो संघर्ष चल रहा है इसको कामयाब करे। मैं इनको सबको दाद देता हूँ, जो हमारे लीडर हैं, बड़े निर्तड़क लीडर हैं जो ये चला रहे हैं। हम आपका वो जो मैसेज है पूरे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया में लेके जाऊँगा और आपकी सभी की भावनाएं वहाँ बताऊँगा। आपका बड़ी खुशी हुई मेरे को यहाँ लंगर देखकर और सभी का सपोर्ट देखकर भी कैसे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं तो जी यही कहना चाहता हूँ कि हाँ जी, मेरा पिंड का नाम दृढ़ पिंड है जी अपना, तो इतने साडा लंगर चल रहा थी 2 महीने तो, कुछ प्रशासन ने 2-4 दिन पहले चुकवा दिता सी जी। तो प्रशासन ने कहा जी 2 दिन बाद तुसी लंगर लगा सकते हो, अज आप लंगर स्टार्ट कर दिता है। मेरा सरकार नू यही अनुरोध है कि यह जरा प्रोटेस्ट है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नहीं है, सब का है। इनू राजनीति डिवाइड ना किया जाए, अपने हिंदुस्तान अपने इंडिया का माहौल ना खराब किया जाए जिमें कि सरकार कर लगी सी, पर सरकार या सरकार वो कामयाब नहीं हुई। एक किसान का अंदोलन है जी, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, जो सरकार बनाना चाहती है। असी सारे भाईचारा इतने, सारा भाईचारा बैठा जी, इतने सिख भी ने, हिंदू भी ने, मुसलमान भी ने, दूजा भाईचारा भी सारा है। 36 बरादरी का अंदोलन है जी, ये किसी एक बंदे का अंदोलन नहीं, यार जन जन का अंदोलन है। और ये उन्नी देर तक चलता रहेगा जिन देर सरकार नहीं मानती। सरकार अगे साडा PM जी अगे अनुरोध है कि उन्होंने प्रजा वास्ते बनाया गया, प्रजा की गल उन्होंने सुननी चाहिए है, क्योंकि प्रजा ने इस वास्ते उन्होंने वोट दे के बनाया कि वो साड़ी तकलीफा सुनगे, तकलीफा बधाणगे नहीं, उन्होंने साड़िया तकलीफा का सल्यूशन करना चाहिए। इन्नी पब्लिक 80% पब्लिक यह गल समझ गई है कि सरकार के कानून गलत ने, इस करके 80% जनता साढ़े नाल है, तो सरकार इनू तक जबरदस्ती क्यों कुचलना चाहती है। तो सरकार नाल अनुरोध है जी, इन काले कानून वापस लिया जाए। टिकरी बार्डर, सिकू बार्डर और गाजीपुर बार्डर इस तरह ही सपोर्ट होंगी रहेगी जी, इस तरह ही ये अंदोलन चलता रहेगा, अंदोलन होर तेजी फड़ेगा जी। तो आप देख सकते हैं लगातार किसान जो है वो यही एक अपील करते हुए नजर आ रहे हैं कि तीनों कानूनों को जो है वापस लिया जाए। और जैसा कि किसानों का कहना है कि जब तक तीनों कानूनों को वापस नहीं लिया जाता, तब तक चाहे सिंधु बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, या फिर अलग अलग जिलों में जिस तरीके से किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, वो लगातार इसी तरीके से जो है चलता रहेगा। लाइव तस्वीरें हम लोगों ने आपको करनाल के करण लेक से दिखाई। एक बार फिर से आप लोगों से अपील यही रहेगी कि इन तस्वीरों को शेयर जरूर कीजिएगा। उर्वशी चावला, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।